नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो कि यूपीएससी ने हाल ही में अपनी प्रेस रिलीज में ऑफर करी है रिगार्डिंग कि क्या मेंस का एग्जामिनेशन टाइम पर होने वाला है या फिर नहीं, बिकॉज कोविड-19 के जो केसेज हैं वो फिर से एक बार बढ़ चुके हैं। कल ही हमने भारत में 90,000 से भी ज्यादा केसेज को देखा है। और साथ ही में हम लोग थोड़े से लास्ट मिनट टिप्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये टिप्स विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि पहली बार यूपीएससी सीएसई मेंस की परीक्षा में अपीयर कर रहे हैं। जो लोग पहले भी अपीयर कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। आई विल नॉट टेक मोर देन 5-6 मिनट्स, बट अगर आप लोग पहली बार अपीयर कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, कुछ ना कुछ नया आपको मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, और ये यूपीएससी ने अपनी प्रेस रिलीज में क्लैरिफिकेशन कल ऑफर करी है January 5 को। इन्होंने पहले तो ये बताया है कि इवन दो हमने सिचुएशन को प्रॉपरली रिव्यू कर लिया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल पर होने वाला है 7th को, 8th को, 9th को और उसके बाद 15th और 16th जनवरी को, जिस दिन ऑप्शनल के और लैंग्वेज के पेपर्स होने वाले हैं वो भी उसी टाइम पर होने वाले हैं। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कि कंटेनमेंट जोन से निकलकर आ रहे हैं या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन से निकलकर आ रहे हैं, तो उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं वही उनके मूवमेंट पासेस की तरह काउंट करवाए जाएंगे। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कमीशन ने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट्स आगे जाके जहां पर भी नाकाबंदी होगी, जहां पर भी ये चीजें होंगी, वहां पर ये वाले इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा दी जाएगी। सो अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कि इस तरह के जोन से आ रहा है और एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कोई भी यहां पर नहीं रोक पाएगा, बिकॉज उनके एडमिट कार्ड्स ही यहां पर ई मूवमेंट पासेस की तरह काम करने वाले हैं। सो इसका आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो वहां पर आप हमेशा ये वाला प्रेस रिलीज भी वहां पर दिखा सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड ही एक तरीके से मूवमेंट पास की तरह काउंट करने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके बाद इन्होंने बताया भी है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर खाने वाने की दिक्कत है, तो उस केस में भी यूपीएससी ने ये बताया है कि आपको वेन्यू के ऊपर खाना भी अवेलेबल करवाया जाएगा। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है कि खाना फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें आपको इंश्योर करने के लिए प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू कि कुछ ना कुछ कैश अपने पास कैरी कीजिएगा, और वहाँ पर जो भी खाना होगा, इन केस वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, आपको पैसा देना पड़ता है, उस केस में आप लोग वहाँ पर पैसा भी उसके लिए दे सकते हैं। एंड इसके अलावा यूपीएससी ये भी कहा है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जिनको कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई थोड़ा बहुत भी, ये देखिए आप लिखा हुआ है 2 surplus एग्जामिनेशन रूम्स बनाए गए हैं फॉर अकोमोडेटिंग द कैंडिडेट्स हु वुड बी कफिंग, हु वुड बी स्नीजिंग, या फिर ब्रेथलेसनेस उनको हो रही है, या थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है, तो उनको लेकर जो है एक अलग रूम में उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा अंडर द अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंश्योर करवाए जाएंगे। बेसिकली यूपीएससी चाहता है किसी भी विद्यार्थी का अटेम्प्ट जो है वेस्ट ना जाए और वहां पर उनको अलग से रूम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और बाकी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने मास्क कैरी करने हैं, आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल में सैनिटाइजर कैरी करना है, और साथ में अपनी आप लोग घड़ी कैरी कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल घड़ी होगी, स्मार्ट वॉच नहीं होगी, ये सब चीज़ें आप लोग कैरी कर पाएंगे। अगेन इट इज़ वंस अगेन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि यूपीएससी ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जो आपका एग्जामिनेशन है ये उसी टाइम पर होने वाला है, अभी तक कोई और इसमें अपडेट नहीं आया है। एंड हम लोग यही उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन जो है वो सही से हो सके, बिकॉज प्रीलिम्स होने के बाद जिन बच्चों का मेंस होगा, जिन्होंने बहुत डटकर तैयारी करी होगी, अगर ये मेंस नहीं होता है, डिले होता है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हताश हो सकते हैं। खैर ये तो नोटिफिकेशन है, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपका कोई जानकार है जो कि एग्जामिनेशन दे रहा है, उस तक आप इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं कि मेंस का जो है इस तरीके से काम होने वाला है। ऑल्सो इसके अलावा आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बोलना चाहूंगा, खास रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पहली बार अपीयर कर रहे हैं। वैसे तो अभी दिस इज नॉट द टाइम कि मैं आपको आंसर राइट में कुछ टिप्स बताऊं कि कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या करना है, नहीं। मैं आपसे कुछ बेसिक जानकारियां शेयर करने वाला हूं एसए के केस में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर बार 2 एसए आते हैं, पेपर 3 घंटे का होता है, तो आपको 1.5 आवर्स ही देने हैं पर एसए। प्लीज डू नॉट, इसको चेंज मत करा करो। 5-7 मिनट्स ऊपर नीचे होना समझ आता है, 90 मिनट्स में आपका पहला एसे खत्म हो जाना चाहिए कायदे से। इट कैन गो टू 95 मिनट्स, मैक्सिमम इट कैन गो टू 100 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आप दूसरे एसे को ज्यादा जस्टिस नहीं दे पाओगे। प्लीज डो नॉट टेक दैट रिस्क, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों एसे के मार्क्स बराबर ही हैं, और हम ये नहीं चाहते कि आपका एक एसे में आप ज्यादा कोशिश करो और दूसरे में एसे में आप जाके मार्क्स को गवा दो, ठीक है।
शुरू करने से पहले आपको सारे के सारे पॉइंट्स को रफ में लिख लेना है, जो भी डायमेंशंस आपके दिमाग में आ रही हैं। सो यू नीड टू गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स। इस 90 मिनट में आपको 15 से 20 मिनट जो है वो आपको अलग से एलोकेट करने हैं, जिसमें आप लोग पॉइंट्स को रफ में लिख रहे हैं। उसके बाद आप लोग जो है 70-75 मिनट्स में अपने एस्से को खत्म करेंगे, और इतना टाइम सफिशियंट रहता है अगर आपको 1000-1200 वर्ड में एस्से को लिखना है। स्पेसिफिकली जो कोट बेस्ड एसेज है, कोटेशन बेस्ड एसेज होते हैं, उससे घबराना नहीं है, उसकी डायमेंशन को सोचना है। जो भी आपने एक साल में पढ़ा है, आप कहीं ना कहीं उस कोटेशन को उस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ लिंक कर पाएंगे, आपका एसे डेफिनेटली सामने अच्छा निकल कर ही आएगा। वर्ड लिमिट को स्टिक करना है, अगर आपसे बोला गया है 1200 वर्ड, प्लीज डू नॉट एक्सीड। कम हो चलेगा, 1000-1100 हो चलेगा, लेकिन 1200 से एक्सीड मत करना, बिकॉज अगेन फिर आपका टाइम एलोकेशन में दिक्कत आएगा। और एसे में बेहतर मार्क्स लेने के लिए एक जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, इफ यू वॉन्ट टू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स, यू हैव टू गिव द मैक्सिमम एग्जाम्पल्स पॉसिबल। जितने एग्जाम्पल्स देंगे आप वहां पे एग्जामिनर के लिए उसको और ज्यादा आसान कर देंगे, आप अपने पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अभी तक तैयारी करते आए हैं, और आई एम श्योर आपने काफी सारे एसेज को लिख के भी देखा होगा। अगर बात करूं GS 1-3 में, अगेन वही चीज बोलने वाला हूं, केवल 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना, एक नंबर 1 पॉइंट का ध्यान रखना है टाइम एलोकेशन का। टाइम एलोकेशन आपको बता दूं, वैसे तो पिछले 4 सालों में 17, 18, 19, 20 यही पैटर्न फॉलो होता आया है कि पहले 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं, अगले 10 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं। यहां पर आपको रेशियो प्रोपोर्शन लगा लेना है, बड़ा सिंपल सा, कि जो पहले 10 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के होंगे, अगले 10 क्वेश्चन जो है वो 150 मार्क्स के होंगे। तो यहां पर 2:3 का रेशियो आता है, यानी कि 72 मिनट्स आपको मिलते हैं पहले 10 क्वेश्चन के लिए, 108 मिनट मिलते हैं आपको आखिरी 10 क्वेश्चन के लिए। तो आपको पहले 10 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन देने हैं 7.5 मिनट, और आखिरी के 10 क्वेश्चन में आपको पर क्वेश्चन देने हैं 11.5 मिनट या फिर 10.8 मिनट देने हैं। यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, और थोड़ा बहुत मैन सिंह बहुत ही कम ऊपर नीचे यहां पर आपके पास मार्जिन रहता है। अगर इन केस आपको 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं तो मार्जिन का स्कोप और भी कम हो जाता है। अगर आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उस केस में 7.2 मिनट्स ही आपको रखना है पर क्वेश्चन, और 10.8 मिनट्स ही आपको रखना है पर क्वेश्चन। प्लीज कैरी अ वॉच विद यू, उसको साइड पर रख लेना अपने टेबल पे, और देखते रहना कि आप टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। व्हेन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कर देना है और अपने क्वेश्चन को वहीं पर खत्म कर देना है। एक इसमें टिप दूंगा, नंबर सेकंड टिप जो बोलना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आपको केवल 19 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, उससे घबराना नहीं है। ये मत सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरे 10 नंबर गए या मेरे 15 नंबर गए। आपको ये सोचना है कि मेरे पास 19 क्वेश्चंस हैं और मुझे 19 क्वेश्चंस में और बेहतर करना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने टाइम को अकॉर्डिंगली रीएलोकेट कर सकते हैं। इफ यू आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट अ क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूं, अगर देखिए थोड़ा बहुत अनअवेयरनेस चलता है, लेकिन अगर कंप्लीटली अनअवेयर है, इट इज बेटर टू लीव इट। वहां पर आपको शायद उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ज्यादा मुशक्कत करने के बाद शायद आपको आधा नंबर मिल सकता है, दैट्स इट, या एक नंबर मिलेगा। लेकिन वहां पर अगर आप उसको छोड़ देते हैं, किसी और क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये मेरी राय है, आपकी राय अलग हो सकती है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली GS 2 में और GS 3 में, इनफैक्ट इवन GS 1 में अगर हम पिछले साल का पेपर देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर के कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल आए थे। तो उनको डायरेक्टली छोड़ना भी आपके लिए एक समझदारी का फैसला होगा, सो दैट आप लोग बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम एलोकेट कर पा सकते हैं। GS 2 में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, हम लोग बात करते हैं पॉलिटी में, जो आपने कभी सुना नहीं होता, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है जो आपने कभी नहीं सुनी होती, कोई सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही कोई लॉ का बहुत मुश्किल फ्रेज आता है आपने नहीं सुना होता, आप उसको छोड़ सकते हैं। GS 3 में सिमिलरली साइंस एंड टेक में कोई ऐसा सवाल आता है जो कि आपको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चला गया, आप उसको डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। प्लीज डोंट टेक दैट चांस, आप बाकी क्वेश्चन में अच्छा लिख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए टाइम कम बच जाता है, देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू टाइम सेविंग टेक्निक्स, कि आपने स्पाइडर वेब बना दिया, जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख दिए। एंड बिलीव मी, मेरे साथ के कई सारे, आज मेरे ही साथ के जो पढ़ने वाले लोग थे जो कि आज सर्विस में हैं, उन्होंने ऐसा किया है और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं। सो अगर टाइम कम रहता है, देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू दीज पॉइंट्स, अदरवाइज आपको नॉर्मल पॉइंट्स फॉर्मेट में ही अपने आंसर को लिख कर आना है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज ध्यान रखिए। एज फार एज GS 4 इज कंसर्न, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती है कि बिकॉज आप लोग ऑलरेडी GS 4 में जब एंटर करेंगे, आप मॉर्निंग में GS 3 का पेपर लिख चुके होंगे, 3 घंटे आपका हाथ दर्द करता है, आपका दिमाग भी थोड़ा थक जाता है। तो सबसे पहले आपको
जो है केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज जो भी आपके माइंड के अंदर फ्रेशनेस बच गई है उस फ्रेशनेस का इस्तेमाल करते हुए केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना, बिकॉज केस स्टडीज ज्यादा रिवॉर्डिंग रहती है। एंड उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में जाना है। अगेन यहां पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक चीज बोलूंगा, जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वैसे तो आपको मालूम होगा, आपने कई सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन भी किए होंगे कि ये वाला एग्जाम्पल मैं लिखूंगा एटीट्यूड के क्वेश्चन में, या फिर मैं ये लिखूंगा मैं एथिक्स क्वेश्चन में, मॉरल्स के क्वेश्चन में, या जो भी ऑनेस्टी क्वेश्चन में। बट मैं आपको फिर से याद करवा रहा हूं, अपने आप को आपको फिर से याद करवाते रहना है एग्जामिनेशन में, दैट आई हैव टू यूज एग्जांपल, आई हैव टू यूज एग्जांपल, बिकॉज आप लोग इसको कई बार, बच्चों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होती, वो भूल जाते हैं कि एग्जांपल का इस्तेमाल करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज यूज एग्जांपल्स, इससे आपके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ध्यान रखना, आपका अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, भले आपको इंटरव्यू कॉल ना आए अल्टीमेटली, बट अगर अच्छे मार्क्स आते हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट काफी ज्यादा होगा। और अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि ऑलरेडी एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और ये आपका डिसाइडिंग अटेम्प्ट होने वाला है, देन प्लीज कीप दिस इन माइंड, बिकॉज दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन एंश्योरिंग कि आपका फाइनली इंटरव्यू लिस्ट के लिए नाम चुना जाता है नहीं जाता। फाइनली आपको बोलना चाहूंगा कि जीएस डिसाइडिंग फैक्टर मेजॉरिटी लोगों के लिए नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 800 सीट्स हैं तो ऐसा मान लीजिए कि 750, इनफैक्ट नॉट इवन 750, 775 लोगों के लिए जीएस विल नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा ऑप्शनल ही होता है, उसके लिए यूपीएससी ने आपको टाइम दिया है, आपको जो है उन 5-6 दिन में अपनी ऑप्शनल की तैयारी को और अच्छा करना है। बट जीएस जनरली डिसाइडिंग फैक्टर आपकी सिलेक्शन में नहीं होता है, सबकी तैयारी लगभग सेम होती है। यू डोंट हैव टू हैव चिल्स कि भाई मेरी तैयारी कम है या मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, सबकी तैयारी उतनी ही रहती है मोर और लेस, ठीक है। प्लीज डोंट हैव स्लीपलेस नाइट्स, स्पेसिफिकली 7th की रात को और 8th की रात को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से सोकर जाना, ठीक है, बिकॉज आपको अगले दिन जाके 6 घंटे लिखना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि 8 घंटे की स्लीप आपको लेकर जानी है, सो दैट आप लोग 8th को और 9th को अच्छे से लिख पाएं अपने पेपर्स को, बिकॉज 8th और 9th को आपका बहुत ही क्रूशल पेपर्स हैं, 6-6 घंटे लिखना है, नॉट वेरी इजी। एंड फाइनली जब 15 और 16 का पेपर होगा तो ऑप्शनल के पहले प्लीज अच्छे से सोकर जाना, सो दैट आपका परफॉर्मेंस अच्छे से हो सके। और लैंग्वेज के दिन तो यू कैन टेक इट लाइट, नॉट वेरी वेरी वरीसम, ठीक है। इसके अलावा मेरी तरफ से, पूरी पाथफाइंडर की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपको आगे जाके इंटरव्यू प्रोसेस में भी हेल्प करवा सकें। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, सो ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफर आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और ये ऑफर 2023 का मेंस भी कवर कर रहा है। यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी आप यहां पर ये वाले प्राइस में इस कॉम्बो कोर्स को परचेस कर पाएंगे, जिसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये ऑप्शनल के बैचेस हम लोग डेडिकेटेडली शुरू करवा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी भाषा में अलग अलग चीजों को शुरू करवाया जाएगा। साथ में कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड वंस अगेन आई वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप टू सी यू अगेन इन द इंटरव्यू प्रोसेस। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।